नमस्कार सर, जैसे आदरणीय निदेशक महोदय और मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग जो स्वच्छता कार्यक्रम है उसके तहत एक वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन जो है उसका आयोजन कर रहे हैं, जिसकी जिसकी जो जिसका मुख्य विषय है आप कि कैसे फसल अवशेषों का हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि फसल अवशेष जो हमारा जो इकोनॉमिक पार्ट है, अगर किसी फसल में से उसको निकाल के जो बाकी हमारा पार्ट बचता है तो उसे हम क्रॉप रेसिड्यू या फसल अवशेष की संज्ञा देते हैं। हमारी बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो फसल उत्पादन में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई, उसके साथ ही साथ हमारी जो फसलों के अवशेष है उनमें भी उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी गई। अगर हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारा देश एक फार्म इकोनॉमी है, अगर हम रेसिड्यू जनरेशन की बात करें तो हमारे देश में कुल 500 से करीबन 680 मेट्रिक टन के आसपास जो कुल रेसिड्यू का उत्पादन होता है। अगर हम सरप्लस रेसिड्यू को देखें, जो सरप्लस जो इसके अतिरिक्त रेसिड्यू जो मिलता है वो करीबन 180 से 250 240 मेट्रिक टन के आसपास है। तो ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ये हमारे विभिन्न जो हमारे राज्य हैं उनमें जो रेसिड्यू जनरेशन है, फसल अवशेषों का उत्पादन है और कितना उसमें रेसिड्यू बर्न किया जाता है उसका एक डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक फसल अवशेषों का उत्पादन होता है। इसके उपरांत पंजाब है और महाराष्ट्र है। और रेसिड्यू सरप्लस की अगर बात करें तो रेसिड्यू सरप्लस में भी हमारा पंजाब प्रथम स्थान पे आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये स्टेट आते हैं। अगर हम रेसिड्यू को अगर बर्निंग की बात करें, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत इस समय मुद्दा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपने पंजाब में इस ये समस्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा और महाराष्ट्र, ये चार स्टेट हमारे ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेसिड्यू की समस्या देखने को मिलती है। तो रेसिड्यू बर्निंग, जैसे कि हमने देखा है कि पराली के जलने से बहुत सारी कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस तो होती होती हैं, साथ में हमारे जो श्वसन से संबंधित जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उनका होना भी जनमानस में पाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर एक अनुमान के अनुसार ये भी पाया गया है कि अगर हम 1 टन अगर हम पराली को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे करीबन हमारी 5.5 kg नाइट्रोजन, 1.2 kg सल्फर और फॉस्फोरस की करीबन 2 kg मात्रा, पोटेशियम की 25 kg मात्रा और ऑर्गेनिक कार्बन की लगभग 400 किलो मात्रा का लॉस का नाश हो जाता है। अगर हम ऑन फार्म की बात करें, ऑन फार्म कंडीक्शन में लगभग करीबन 90 मिलियन टन के आसपास हमारा जो क्रॉप रेसिड्यू है इसको जलाया जाता है। और इससे जो होने वाली जो इस जलने से जो होने वाली जो हमारे वायुमंडल में प्रदूषण है उसको आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 टन स्टॉक को बर्न करते हैं तो उसके माध्यम से करीबन 3 kg पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, करीबन 1400 kg के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड और 200 kg के आसपास हमारी एस ये बनते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि हमें इसका किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसे हम इंसिटू मैनेजमेंट ऑप्शन कहते हैं और एक्सिटू मैनेजमेंट ऑप्शन कहते हैं। इंसिटू मैनेजमेंट ऑप्शन में हम रेसिड्यू जहाँ उत्पादित होता है उसको वहीं मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और एक्सिटू में रेसिड्यू को हम किसी अन्य स्थान पर ले जाते हैं और उसका प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। तो इंसिटू जो मैनेजमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन, रेसिड्यू सरफेस रिटेंशन और ये ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो रेसिड्यू रिटेंशन, रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्योंकि रेसिड्यू को हम वैसे नॉर्मली इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेसिड्यू को थोड़ा थोड़ा काट लिया जाए। तो इसके लिए जो हमारी अवेलेबल तकनीकी है उसमें जो विभिन्न प्रकार के चॉपर्स हैं और डी शेडर हैं, इस प्रकार के उपकरणों का मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है जिनके माध्यम से हम जो रेसिड्यूज है उनको छोटा छोटा काट सकते हैं। और उसके उपरांत इरिगेशन लगा के और जो हमारी कन्वेंशनल टिलेज प्रैक्टिस है, जैसे कि किसी मिट्टी पलटने वाले हल के माध्यम से हम उस कटे हुए पदार्थ को भूमि में उसका समावेश कर सकते हैं। परंतु उसके साथ एक समस्या ये है कि ये इसको हम करने से एक टेम्प्रेरी इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि एक नाइट्रोजन की जो छदम और बहुत ही कम समय के लिए जो अनुपलब्धता होती है वो उत्पन्न होती है। और इस समस्या को निराकरण करने के लिए हमें क्या करना है कि नाइट्रोजन की 15 से 20 kg पर हेक्टेयर की एक स्टार्टर डोज दी जाती है, जिसके कारण हम मिनरलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो हमारी विधि है रेसिड्यू रिटेंशन है। रेसिड्यू रिटेंशन के हम जैसे कि ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का भी एक मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग है। तो इसके अंतर्गत मल्चिंग के माध्यम से और
इत्यादि चीज़ों के माध्यम से हम रेसिड्यू रिटेंशन को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो आजकल आधुनिक मशीनरी है, जैसे हैप्पी सीडर है, जीरो टिलेज कंडीशन में जीरो टिलर है, इसके माध्यम से हम पराली और इवन जो हमारे जो रेसिड्यूज हैं उसमें ही हम फसलों की बिजाई आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी एक जो उपयोगी चीज आती है बेलर, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ये बेलर है जिसमें हम जो हमारे फसल के अवशेष हैं उनका विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकारों के और विभिन्न साइज के बेल्स या इसके बंडल बनाते हैं। और इन बंडल का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बंडल के रूप में अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, भंडारण है, इत्यादि जो हमारी अभिक्रियाएं हैं, जो हमारी प्रोसेसेस हैं, इनको करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। साथ ही साथ इसका हम एक डायरेक्टली हम जहाँ हमारे जो पशुधन है, पशुधन के लिए भी हम इसको चारा पहुँचाने के लिए बहुत ही आसानी से इसे चारा इसके माध्यम से हम चारा पहुँचा सकते हैं। ये जो रेसिड्यू मैनेजमेंट में जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस है उनके माध्यम से जो हमारे विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं उनका प्रयोग दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉ बेलर, जैसे कि मैंने आप पहले भी बताया, स्ट्रॉ रीपर है जिसके माध्यम से अगर हम पराली या कोई भी अवशेष है उसको हम काट सकते हैं। और साथ ही साथ इससे ये भी देखा गया है कि इससे करीबन 50 kg पर हेक्टेयर के आसपास अत्यधिक हम मतलब जो अतिरिक्त हमारा जो अनाज है जो अन्यत्र कहीं वेस्ट चला जाता तो उसका भी हमें फायदा मिल सकता है। बाकी जीरो टिलेज के बारे में मैंने पहले बताया है, इस मशीनरी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जीरो टिलेज से कम हमारे किसानों में किसान भाई जो हैं हम लोग इसमें लेबर तो सेव कर ही सकते हैं, साथ साथ इसमें हम ईंधन और किस ईंधन की भी बचत हो सकती है और हमारी जो सॉइल की जो अन्य जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये इस प्रकार की जो मशीनरी ऑप्शन है जो हमें रेसिड्यू को मैनेजमेंट करने के लिए ले सकते हैं, जैसे कि ये मल्चिंग मशीन है जिसके माध्यम से भी हम मल्च बिछाने का काम किया जा सकता है। आजकल हमारे संस्थान और आजकल ICAR के विभिन्न संस्थानों और अन्यतर संस्थान जैसे NCF गाजियाबाद है तो इनमें भी अलग अलग प्रकार के बायो डिकम्पोजर मटेरियल डेवलप किए हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं ये पूसा बायो डिकम्पोजर है, ये भी एक ऐसे फंगल्स का कंसोर्सियम समूह है जो कि जो हमारे रेसिड्यू है पराली है या कोई भी क्रॉप रेसिड्यू है उसको कुछ ज़्यादा स्लाइटली जो हमारी अपघटन की प्रक्रिया है उसको ये बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसमें ये देखा गया है कि करीबन 4 कैप्सूल के रूप में इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो इसमें 4 कैप्सूल और येगरी और चिकपी फ्लोर को मिला के करीबन 25 लीटर लिक्विड बनाया जाता है और जिसका प्रयोग करीबन 1 हेक्टेयर लैंड के लिए किया जा सकता है। और उनका ये अनुमानन है कि उनका ये एस्टिमेशन है कि इससे करीबन 20 दिन के भीतर ये अपघटन की क्रिया है उसको किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो पराली का है बहुत सारे या कोई भी अवशेष है या फिर फसल उनके अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो यूजेज हैं वो किए जा सकते हैं, जैसे कि पावर जनरेशन है और एथेनॉल प्रोडक्शन है और उनका जो कार्डबोर्ड और डिफरेंट मटेरियल्स में हम यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो पावर जनरेशन की जैसे हमने बात कही तो उसमें जो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें जो हम मुख्य रूप से आजकल नॉर्मली कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बट उसके स्थान पे जो को फायरिंग की जा सकती है कोयले के साथ साथ हम जो हमारे जो पराली के जो अवशेषेस हैं उनके पिलेट फॉर्म में बना के, तो पिलेट फॉर्म में उनको बना के हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है में थर्मल पावर प्लांट है उनमें इनका उपयोग किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि अगर हम नॉर्थ इंडिया के थर्मल पावर प्लांट की बात करें और पराली की बात करें गेहूँ के जो हमारा जो पैडी स्ट्रो है तो उससे करीबन जो उसके उपयोग से बिजली उत्पादन के साथ साथ करीबन जो हमारी जो पराली की समस्या है उसका निराकरण किया जा सकता है। और इसमें करीबन ये देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष करीबन 18 मिलियन टन के आसपास हमारा जो पराली है उसका निराकरण इस विधि से किया जा सकता है। साथ ही साथ अलग जो है गैसिफिकेशन है और पायरोलाइसिस है, ये भी कुछ मुख्य अभिक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से पराली को हम विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैसिफिकेशन में पराली को एक हायर टेम्परेचर पे इस पे अभिक्रिया कराई जा सकती है जिसमें करीबन जैसे कि ऑक्सीजन है, एयर है और नॉर्मल स्ट्रीम और इन गैसों का मिक्सचर है, इसके प्रयोग से जो पराली का है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन या गैसिफिकेशन किया जा सकता है। तो गैसिफिकेशन की अभिक्रिया के द्वारा एक जो हमारी गैस निकलती है जिसे हम सिनगैस कहते हैं, तो सिनगैस एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है और ये इसमें मुख्यतः मैथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि पाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग हम
जो इंटरनल कम्बेस्टन इंजन्स हैं उसमें हम कर सकते हैं, और पराली के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह से जो पायरोलाइसिस की अभिक्रिया है, तो इसके माध्यम से भी जो बायो ऑयल है उसका उत्पादन किया जा सकता है, और उसका भी प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के प्रोसेस प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं, जैसे कि गैसोलीन है, पेट्रोल है, डीजल है, इत्यादि के रूप में किया जा सकता है। ये जो हमारी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं फॉर द क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे ऑयल सीड क्रॉप्स हैं इनसे वेजिटेबल ऑयल्स मिलता है, जिससे हम ट्रांस एस्टरीफिकेशन से अब बायोडीजल बनाया जा सकता है, बाकी गैसिफिकेशन के माध्यम से फ्यूल गैस, और डिकम्पोजिशन के माध्यम से एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो हमारी अभिक्रिया है उसके माध्यम से बायोगैस, मैथेन इत्यादि का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो बाकी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज आज हम मृदा के विषय में पढ़ रहे हैं कि मृदा अपनी हेल्थ को खो रही है, तो उसके निदान के लिए भी इस क्रॉप रेसिड्यू का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इसके लिए एक हमारे पास एक सॉल्यूशन जो है वो है बायोचार है। तो बायोचार जो पायरोलाइसिस अभिक्रिया है उसके माध्यम से ही बनता है। तो ये एक हाईली पोरस मटेरियल होता है जिसका प्रयोग हम मृदा में कर सकते हैं, और मृदा में करने से ये क्या करता है कि मृदा की जो जल अवशोषण क्षमता है और उसकी जो सरफेस एरिया है और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कुछ शोध किए गए हैं जिसमें पाया गया है कि अगर जैसे कि पाया गया है कि जैसे कि बायोचार अगर बनाया गया था, जैसे कि वीट स्ट्रॉ, मेज स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ और राइस हस्क को लेके इन्होंने एक बायोचार बनाने की क्रिया स्टार्ट की थी, तो इसमें इन्होंने पाया था कि जो राइस का जो स्ट्रॉ है वो ज़्यादा हाईली पी उसका पीएच हाई है, और उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी हाई है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी हाई है एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे स्ट्रॉ मटेरियल हैं। तो इनके माध्यम से उन्होंने ये पाया कि ये इसके माध्यम से हम जो हमारी एसिडिक सॉइल है और उसका जो हम जो उसकी समस्याएं हैं उनका निदान इस बायोचार जो राइस स्ट्रॉ के बायोचार है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आजकल जो जो देखने में यूज आ रहे हैं कि हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं तो उनके लिए भी हम जो हमारे जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे वॉल्स हैं, जैसे ईंटें हैं, तो इनका निर्माण भी स्ट्रॉ और क्ले को विभिन्न मिश्रणों में मिला के और विभिन्न अनुपात में मिला के किया जा सकता है, जो कि हमारे हाउस और शेड कंस्ट्रक्शन में काम आ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि ये लाइट वेट होते हैं, तो जो हमारे जो अर्थ जो भूकंप से जो ग्रसित एरिया हैं जो उनके लिए ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, तो उन जो क्षेत्रों के लिए जो हम इस प्रकार की जो प्रकार के जो निर्माण करने वाले जो मटेरियल हैं तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ रेसिड्यू से जो कार्टन्स हैं और पैकेजिंग मटेरियल्स हैं इसका भी निर्माण हम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है वो कंपोस्टिंग की है। कंपोस्टिंग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एक जैविक अभिक्रिया है जिसमें जो हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको एक स्टेबल पदार्थ के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो कंपोस्टिंग दो प्रकार की हो सकती है, एरोबिक कंपोस्टिंग, एनएरोबिक कंपोस्टिंग, और इनका मिश्रण के माध्यम से भी हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग में जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस ग्राफ में, कि अलग अलग लेवल के डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल डिकम्पोजर्स जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई यानी क्टिनोमाइसिट्स, ये ज़्यादा काम करते हैं। सेकेंड लेवल डिकम्पोजिशन में हमारे जो स्प्रिंग टेल्स और निमोटोड्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, और थर्ड लेवल के बाद जो हमारी जो फाइनल कंपोस्ट जो स्टेबल होती है जिसका हम प्रयोग अपने खेतों की उर्वरता शक्ति और फसलों के पोषण में करते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं कंपोस्टिंग की, जिसमें कि मेसोफिलिक स्टेज है, थर्मोफिलिक स्टेज है, मैच्योरेशन स्टेज है, ये आती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कंपोस्टिंग की है उसमें ये है कि हमें मॉइस्चर कंटेंट को एक लेवल रखना है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो हमारे जो जो फसल अवशेषों का है अवशेषों का विघटन ठीक से नहीं होता, तो हमें करीबन 40 से 60% के बीच में जो हमारी जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करना पड़ता है थ्रू आउट द डिकम्पोजिशन पीरियड, और इसको जब अंत आता है तो धीरे धीरे हम इसे कम करते जाते हैं। साथ ही साथ जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कंपोस्टिंग के लिए। तो इसमें जो आइडियल जो आदर्श अनुपात है वो है 3:1 का अनुपात। अगर हमारा इस जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो इससे ज़्यादा होता है तो कंपोस्टिंग की अभिक्रिया में कमी आती है, जो कंपोस्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो आइडियल रेशियो होना बहुत आवश्यक है।
इसके साथ ही जो टेम्परेचर है 32 से 60 डिग्री के मध्य होना चाहिए। प्रॉपर एरेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसे हम रेगुलर पलटाई के माध्यम से पा सकते हैं। बाकी जैसे कि बड़े बड़े अगर हम कोई भी फसल अवशेष है उसको डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से उसका जो अभिक्रिया है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो जो फूड है वो बहुत ही उनको एक्ट करने के लिए एक लार्जर सरफेस एरिया मिल जाता है, तो डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, नैडिप मेथड है, एरिम कंपोस्टिंग है, विंड्रो मेथड है। तो हम यहाँ संक्षेप में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंडोर मेथड है, ये दोनों प्रकार की है, इसमें एरोबिक और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है हमारे जो फसल अवशेष है उनका। तो कंपोस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेयरिंग होती है, जो कि चाहे आप कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, लेयरिंग आपको करनी पड़ती है। तो इंडियन कोयम्बटूर मेथड की बात करें तो इसमें करीबन 3.1, पहले हम गड्ढा खोदते हैं, जो हमारे एक नॉर्मली जो साइज है था इसका करीबन 3.6 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर वाइड, और करीबन 1 मीटर के आसपास ये गहरा होता है। तो कंपोस्ट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एरिया होना चाहिए कुछ शेडेड होना चाहिए, ताकि हमारे डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे उसका प्रभावित ना हो। और इसको गड्ढे के भरने की प्रक्रिया ये है कि हमें जो हमारा जितना भी क्रॉप रेसिड्यू है उसको हम विभिन्न क्रॉप रेसिड्यू को मिला के और उसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं हमारे गड्ढे की, जैसे कि मतलब पहला हम कर रहे हैं तो क्रॉप रेसिड्यू लेते हैं जिसमें करीबन उसका 15 से 20 सेंटीमीटर की लेयर उसको रखते हैं। उसके बाद जो हमारा जो वेट एनिमल डग है तो उसको लेते हैं, जिसकी हम 5 सेंटीमीटर तक की हम लेयर स्थापित करते हैं। क्योंकि एनिमल डंग डालने का कारण ये है कि इसमें जो ये एक अच्छा बैक्टीरियल और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये उनका एक अच्छा सोर्स है, और उसके होने के साथ साथ ये हमारे जो कंपोस्टिंग मटेरियल है उसका सीएन रेशियो को भी कम करता है। तो इसके कारण जो डिकम्पोजिशन की अभिक्रिया है वो अच्छे से होती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप जो आता है, हमारी जो वाटर जो वाला पार्ट आता है जिसमें हम जो कंपोस्ट वाटर का छिड़काव करते हैं जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि करीबन जो कंपोस्ट का जो है 50 से 60% मॉइस्चर उसका बना रहे बायोमास। तो इस तरह से इस गड्ढे को भरते भरते हमें क्या करना है कि ये गड्ढे की ऊंचाई जमीन की सतह से करीबन 60 सेंटीमीटर ऊपर आ जानी चाहिए, और उसके उपरांत जैसे हम जो हमारा जो गारा है और जो गोबर का घोल है उसको सबको मिला के इसको प्लास्टर कर दिया जाता है। तो उसके उपरांत इसका एनारोबिक जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्टार्ट होता है, और लगभग 4 हफ्तों के बाद इसमें कुछ दरारें पड़ती हैं और ये कुछ फ्लैट सा हो जाता है, और जो अंततः जो कंपोस्ट बनने का टोटल समय रहता है वो 4 मंथ के आसपास, 3 से 4 मंथ रहता है। दूसरी जो हमारी विधि है नाडेप मेथड है, ये भी एक इसमें हम क्या करते हैं एक आयताकार या वर्गाकार टंकी बना सकते हैं, जो साधारण साइज है इसका जो 10 फीट, 5 फीट और 3 फीट लंबाई चौड़ाई और गहराई है। और इसमें जो चारों ओर से आप देख सकते हैं चित्र में भी कि चारों ओर से इसमें छिद्र हैं, इन छिद्रों का जो प्रयोग है मेनली इसमें जो हमारी हवा है उसके जो उसको उसके अच्छे मूवमेंट के लिए, हवा के मूवमेंट के लिए इन छिद्रों का प्रयोग किया जा सकता है। और जो जो ये स्ट्रक्चर है इसका निर्माण या तो किसान भाई हमारे जो भी हमारे साथी हैं स्टेक होल्डर्स हैं वो मड मड के माध्यम से या मड के माध्यम से या पत्थर के माध्यम से, ईंटों के माध्यम से या फिर सीमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। जो इस साइज का जो गड्ढा मैंने बताया इसमें नॉर्मली जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ये करीबन 1300 से 1400 केजी के आसपास, कैटल डंग करीबन 100 केजी के आसपास, मिट्टी जो हमारी आसपास की मिट्टी है तो करीबन 1600 केजी के आसपास, और पानी करीबन 1500 से 1400 से 1300 से 1400 लीटर के आसपास आ सकता है। तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसकी फिलिंग से पहले हमें क्या करना चाहिए कि इसकी जो हमारी काउ डंग है उससे इस जो हमारी टंकी है इसके चारों ओर हमें इसकी लिपाई कर लेनी चाहिए, ताकि हमें चारों ओर से इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी मिले। बाकी जो लेयरिंग की जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी कंपोस्टिंग अभिक्रिया में, तो इसमें भी सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि 3 लेयरें इसमें बनाई जाती हैं, जिसमें पहली लेयर 4 से 6 इंच की रहती है, जो कि फाइन स्टिक्स की रहती है और स्टेम्स जो जो मटेरियल है उसकी रहती है। ये उसका लाभ है, इसमें क्या होता है कि ये नीचे से जो एरेशन है उसको बढ़ावा देता है। बस इस लेयर के साथ इसके ऊपर हम 4 से 6 इंच की जो ड्राई और ग्रीन फॉडर उनको मिक्स करके उसकी लेयर डाल सकते हैं,
उसके उपरांत जो हमारी दूसरी सब लेयर है उसमें 4 केजी गोबर 100 लीटर पानी के साथ मिला के इसकी स्लरी बना के इसका स्प्रिंकलर इसमें हम कर सकते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर हम इसका स्प्रिंकलर करते हैं, जिससे कि इसका करने से ये फायदा है कि इससे हमारी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ये चारों ओर और डिकम्पोजिशन की अभिक्रिया में जो जो मदद मिलती है वो मिलती है। बाकी इसके उपरांत जो एक जो 60 60 केजी फाइन सॉइल की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जाती है जो कि एक ओके बफरिंग मटेरियल का काम करती है, और साथ ही साथ ओके सॉइल भी एक हमारे जो माइक्रोब्स है उसका सोर्स है, और ये भी डिकम्पोजिशन में और मॉइस्चर होल्डिंग में काफ़ी हेल्प करती है। तो इस प्रकार से करीबन 10 से 12 लेयर इसमें बनाई जा सकती हैं, और कंपोस्ट बनने के टाइम में करीबन वही 3 से 4 4 महीने में, इस पे 5 से 6 महीने में कंपोस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो सकती है। बाकी जो विंड्रो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है ये मुख्यतः लार्ज क्वांटिटी में अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मेथड है उसमें प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें नॉर्मली जो आइडियल इसका जो पाइल का जो हाइट है वो करीबन 4 से 8 फीट के बीच में है, और इसकी जो चौड़ाई है करीबन 14 से 16 फीट के बीच में है, और ये जो पाइल साइज है जो उसका विंड्रो का साइज है तो इतना साइज एक आवश्यक है जो कि पर्याप्त मात्रा में गर्मी पैदा कर सकती है और उस टेम्परेचर को मेंटेन भी कर सकती है, और साथ ही साथ ये इतनी छोटी भी होती है कि ऑक्सीजन के फ्लो को इसमें जो विंड्रो में अच्छे से बनाए रखती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इसमें भी ये भी एक मुख्य प्रोसेस है जिसके लिए इसी ने आपको चीजें हमारी जो मुख्य केचुए की रेड वर्म जिसे हम बोलते हैं ये प्रजाति बहुत महत्वपूर्ण है। जो बेसिक लेयरिंग प्रोसेस सेम है, हालांकि या तो आप लेयरिंग कर सकते हैं या फिर आपका जो मटेरियल है उसको जैसे कि आपका क्रॉप रेसिड्यू है उसको गोबर के साथ 3:1 के अनुपात में मिक्स करके भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी बाकी जो केंचुए की बात है तो करीबन 1 केजी वर्म्स पर 1 मीटर क्यूब एरिया या फिर 1000 केजी बायोमास के लिए 1 केजी ऑफ केंचुए इसमें युक्त होते हैं, और डिकम्पोजिशन की अभिक्रिया जैसे कि अगर आप कच्चा गोबर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको प्री डाइजेशन की प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसको आप 15 से 20 या 25 दिन के लिए प्री डाइजेशन करवाते हैं क्रॉप रेसिड्यू के साथ, और फिर उसमें आप केंचुए का इंट्रोडक्शन करते हैं, और जो अंत में इससे जो हमारी जो कंपोस्ट है वो करीबन 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट इशू हैं, गवर्नमेंट भी इस दिशा में पराली के प्रबंधन में बहुत अधिक योजनाएं चला रही है, और वो भी मशीनरी के माध्यम से उनमें विभिन्न प्रकार की मशीनरी हैं उनमें सब्सिडी दे रही है, तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस क्रिएशन भी इस पराली के निदान या फिर कोई भी हमारा क्रॉप रेसिड्यू है उसके प्रबंधन में बहुत जरूरी स्टेप साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत जो हमारे किसान भाई हैं उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं थ्रू मास और प्रिंट मीडिया है, और प्रमोशन ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स जैसे कि पराली के निदान में हमारी मशीनरी की बहुत अधिक भूमिका है, तो प्रमोशन ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ महंगी है जिसे हर एक किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से हमें ये इस पराली का प्रबंधन या कोई भी अवशेष प्रबंधन है इसको आसानी से किया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। हेलो, थैंक यू. हाँ, थैंक यू डॉक्टर अमित इस इम्पोर्टेंट इश्यू पे चर्चा करने के लिए. जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं, वो अगर कोई इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई क्वेरी है अगर उनकी, तो वो अभी पूछ सकते हैं. अमित, हाँ, बोलो जी, बोलो। मेरा एक क्वेरी था. ये जो पूसा डिकम्पोजर है, इसमें मैं बहुत सा न्यूज ऐसा देख रहा हूँ कि ये फील्ड में अप्लाई करने के बाद 20 डेज में, जैसे जो IRI पूसा तो क्लेम कर रहा है कि 20 डेज में डिकम्पोज होगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसको डिकम्पोज होने में 90 डेज लग रहे हैं. तो इस पे कुछ ऐसा कुछ मीन्स आपके नॉलेज में है क्या? एक्चुअली इसका जो प्रैक्टिकल प्रयोग तो मैंने तो देखा नहीं है, नॉलेज में मेरे इसमें है नहीं, तो ओके. कोई और क्वेरी हो अगर? शायद वो शायद अनशेयर नहीं कर पा रहे, कैन यू डू इट फ्रॉम हियर?
जी सर, कैन यू अनशेयर हिम? ओके अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो मैं डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम पर अपने रिमार्क्स देंगे। डायरेक्टर सर, थैंक यू अमित फॉर शेयरिंग दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डॉक्टर जितेंद्र कह रहे थे, एक्चुअली वो नाउ देयर आर सम इश्यूज अबाउट दिस पूसा डिकम्पोजर। ये काफी मीडिया से तो काफी प्रचारित किया गया, लेकिन वो फील्ड पे इतना इफेक्टिव नहीं है, ये कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइम यू माइट हैव सीन कि थोड़ा सा मीडिया पे हाइप कम है इसका। दूसरा, ये जो हिल्स के अंदर में रेजिड्यू का प्रॉब्लम है क्या अमित, एनी डेटा ऑन दिस? एम आई ऑडिबल? यस सर। डॉक्टर अमित, हेलो अमित, हिल्स में रेसिड्यू का इशू है कुछ? सर, हिल्स में रेसिड्यू का तो सर जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन तो उतना नहीं है, तो क्रॉप इशू इस टाइप से नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट इसमें यू हैव एनी डेटा ऑन दिस? सर इस पे डेटा अभी मैं देखा नहीं है सर इस पे। अगर यहाँ का प्रॉब्लम है क्रॉप रेसिड्यू का, kindly have a look on this। दूसरा, जो आप बता रहे थे कि जो कंपोस्टिंग करना है तो उसमें जो काउडंग है, जो कच्चा गोबर जो है, वो जरूरी है? बिना उसके होगा नहीं? सर कच्चा गोबर एक्चुअली प्री डाइजेशन चाहिए होता है ना, कोई भी मटेरियल है तो कच्चा गोबर भी रहता है जैसे कि पुराना गोबर रहता है। हेलो, है नहीं? हेलो, हेलो सर, जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग है तो सर उसमें क्या होता है कि आप पहले कच्चा गोबर अगर आप यूज करते हैं तो उसका स्लरी बनाने में एक तो उससे सर आसानी होती है। स्लरी बनाने से आप उसमें स्लरी को स्प्रिंकल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका जो डिकम्पोजिशन रहता है, क्योंकि वो पहले गर्मी पैदा करता है तो उसके लिए हमें उसको पहले प्री डाइजेस्ट करना पड़ता है एक्वाप्लेसिटी के साथ करीबन 15 से 20 दिन के लिए, तो आवश्यकता भी है। सर नॉर्मली देखा जाता है कि आपका जो एकदम पूरा ताजा गोबर दी नहीं, बल्कि जो आपका करीबन 15 से 20 दिन पुराना हो या 10 दिन पुराना भी, तो उस गोबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमारे फार्म पे तो कोई जानवर है नहीं ना? यस सर। तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में तो सर जैसे कि कच्चा गोबर तो फिर आउटसोर्सिंग ही करना होगा सर, क्योंकि गोबर डालना सर कंपोस्टिंग में आवश्यक है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन को। सर हम कच्चा गोबर नहीं मिलाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उसमें? कच्चा गोबर से सर एक तो हमारा जो मटेरियल है वो CN रेशियो एक लाना होता है, तो CN रेशियो से थोड़ा डाउन आता है जो हमारा कंपोस्टिंग मटेरियल है उसका। तो साथ ही साथ ये एक गोबर, एक जैसे कि हमें जो ऑर्गेनिक जो गोबर है, कोई भी गोबर है, तो उसमें ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक इनोकुलम की तरफ से भी कार्य करता है जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। नहीं, हम जो पूछ रहे थे कि अगर हम हमारे पास है ही नहीं वो, तो उसके बाद भी कंपोस्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? उसके साथ सर जो नॉर्मली लिटरेचर में तो यूज करते ही हैं सर उसको, जो कोई इस टाइप का मटेरियल है जितने भी अवेलेबल वो है, तो कुछ सोर्स तो हमें चाहिए होगा जो कि थोड़ा इसको सर्च करना। यस सर, यस सर, क्योंकि जो मेथड आपने बताया, जो दोनों मेथड जो आपने बताए, दोनों कीमत जो भी थे, तो उसमें क्या है कि वो बड़ा ही एक पूरा प्रोटोकॉल है उसका, और जो लेमैन फार्मर है थोड़ा सा मुश्किल होगी उसको फॉलो करने में। और कई लोग ऐसे होंगे जो आजकल जैसे जो एजुकेटेड फार्मर्स हैं, हो सकता है वो उसको फॉलो करना चाहें, तो हमारे पास एक थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा कि अगर ये नहीं है उनके पास में तो क्या होता है उसमें, ये थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे। ठीक है,
डॉक्टर पंकज मिश्रा, कोई हमारे पास ऐसा माइक्रोब है कि जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है जो डिकम्पोजिशन की? सर कुछ सेलुलोज डिग्रेडर तो हैं हम लोग के पास में, कुछ स्क्रीनिंग हम लोगों ने की थी तो उसमें बीच में कुछ हमने किया भी था इसमें काम, बट लेकिन ऐसा कहें कि हम 10 दिन में या 15 दिन में उसको डिकम्पोज कर देंगे तो इस तरीके का तो नहीं है सर अभी हमारे पास। ये बता रहे हैं कि ये सब करने के बाद भी 4 महीना लगेगा हाँ सर, वो 4 महीने से अगर 3 महीना भी अगर हो जाता है तो अच्छा है वो। नहीं एक्चुअली सर क्या है कि जो एक तो जो काउडंग की जो बात करते हैं, काउडंग जो है एक रिसोर्स ऑफ मतलब डाइवर्स काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बेसिकली क्या है कि सर जो एनिमल्स हैं एनिमल्स की जो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें एलिमेंट्री कैनाल का, तो इसमें एक जो पर्टिकुलर जो पाउच है उस पाउच में जो है वो माइक्रोब्स का मतलब माइक्रोब्स का इंटीग्रेशन होता है, जो लास्ट में जो रेजिड्यू बचता है जो काउडंग के रूप में बाहर आता है, तो उसमें क्या है कि वो एक वो पाउच जो है वो सप्लीमेंट करता है ए रिसोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डिकम्पोज दी क्रॉप रेजिड्यूज इफेक्टिवली। तो उसमें यह है कि बहुत सारे तो कल्चरेबल है बहुत सारे, लेकिन ऐसे भी है जो अनकल्चरेबल है, तो उसमें यह है कि उनका रोल हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे वो अभी तक नहीं हुआ है सर। लिटरेचर्स भी जितने अवेलेबल है उसमें यह कल्चरेबल तो उन्होंने कर लिए, बट लेकिन जब वो उसी को इंसीटू करने की कोशिश करते हैं तो उस इंसीटू में उतना इफेक्टिवनेस नहीं आती, तो कहीं ना कहीं जाके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अनकल्चरेबल नहीं हो पाए हैं जो कल्चर हम नहीं कर पाए हैं उनका कहीं ना कहीं रोल वो डेफिनेटली प्ले करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वो स्लरी जो है वो ऐड करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। Now, I think Dr. Amit has provided a good information. इसमें अमित ये भी देखना होगा कि जो मशीनरी है वो मशीनरी सब आपने जो दिखाया वो सब प्लेन्स का है, तो यहाँ पे जितेंद्र हैं श्यामनाथ दोनों जुड़े हुए हैं, इस तरह का कुछ मशीनरी यहाँ के लिए भी है क्या छोटे टेरेसेस के लिए? हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। ये बता रहे थे जैसे हैप्पी सीडर का आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, ये जितनी मशीनरी दिखा रहे थे उसमें आई थिंक हैप्पी सीडर इज द बेस्ट वन। इस तरह का कुछ मशीनरी यहाँ के लिए भी है जो छोटी टेरेसेस है इनके लिए? हाँ सर, हमारे पास एक ऑलरेडी जीरो टिलेज डेवलप्ड है ना, तो आप देखे होंगे जैसे अभी जो बिल्डिंग बनी है उसके सामने एक जीरो टिलेज का हमारा लगता था ट्रायल, तो वो मशीनरी काफी इफेक्टिव है। और जो शिव सिंह जी सर कल वीडियो डाले थे वो भी जीरो टिलेज में काम करती है, तो हैप्पी सीडर एक्चुअली जीरो टिलेज में ही काम करता है, तो उसकी जगह पे ये काम किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो थैंक यू डॉक्टर अमित, आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारी चीजें हमें भी नहीं पता थी कि ये सब इसमें ये स्टेप्स होंगे, तो ये बड़ा ही एजुकेटिव रहा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, मेनी ऑफ अस हैव नाउ एक्वेंटेड विद दिस प्रोसेस कि हाउ वी कैन मैनेज द रेसिड्यू। आई एम आल्सो नॉट वेरी क्लियर वेदर दिस इज ए प्रॉब्लम इन हिल्स और नॉट, बट द बेस्ट द लास्ट ऑफ स्लाइड्स वेयर वी कैन गो वेयर वी कैन कन्वर्ट इट इन ए वेरी यूजफुल फॉर्म फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट, आई थिंक दैट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम श्योर कि जब ये फार्मर्स ट्रेनिंग में आते होंगे तो ये सब प्रोसेस आप उनको बताते होंगे ताकि वो इसमें से जितना भी अपने लेवल में करना चाहें तो दे कैन अडॉप्ट इट। विद दिस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। सर लास्ट में मैं ऑनरेबल डायरेक्टर सर को थैंक्स कहना चाहूंगी, सर पूरे संस्थान की तरफ से जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, साथ ही सर आपने पर्वतीय क्षेत्रों में फसल अवशेष प्रबंधन पर जो सुझाव दिए हैं वो काफी अच्छे हैं सर, और साथ ही स्वच्छता 2.0 कार्यक्रम पर मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद।
डॉक्टर अमित को भी मैं पूरे संस्थान की ओर से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन पर हमें जानकारी दी है जो कि कृषि के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए भी इसकी अहम भूमिका है। थैंक यू डॉक्टर अमित। और लास्ट में मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो इस जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू सर।